राधे राधे, मैं ही नहीं बल्कि पूरा ब्रज इस बात को बोल रहा है कि कृष्ण और राधे की जो कृपा है वो ब्रजवासियों पर हो रही है। कान्हा का 5251वां जो जन्म उत्सव है वह इस बार मनाया जाएगा और मैं पूर्व संध्या पर मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है उसे किस तरह से यहाँ सजाया और सवारा गया है। रंग बिरंगी जो लाइटें हैं वो कान्हा के इस जन्म स्थान को जगमग करती हुई नजर आ रही हैं और श्रद्धालुओं के बीच एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण इस बार 5251 वर्ष के हो जाएंगे और यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं वह अपनी भावना लेकर आ रहे हैं, अपनी मन्नत लेकर आ रहे हैं और कान्हा के दर पर आने के बाद दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। इस बार मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा शहर जो है दुल्हन की तरह सजाया सवारा गया है। रंग बिरंगी लाइट है और यहाँ पर लगे हुए जो कटआउट ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आ रहा है वह अपने आप को सेल्फी लेने से नहीं रोक पा रहा है। इस शहर के लगभग 2 दर्जन ऐसे तिराहे और चौराहे हैं जिन्हें पूरी तरह से सजाया और सवारा गया है। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा में PSC लोकल पुलिस के अलावा भी यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस लगाई गई है। लोकल इंटेलिजेंस के अलावा CRPF है, कमांडो की कई टुकड़ियां यहाँ तैनात की गई हैं ताकि सुरक्षा में कोई भी कोताही ना बरती जाए। एक बार नजारा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ भगवान श्री कृष्ण का। ये वही स्थान है जहाँ कंस कारागार स्थित है और कंस कारागार में ही भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान जन्म इस बार मध्य रात्रि यानी कि 11:45 पर लेंगे और उनके जो दर्शन है श्रद्धालुओं के लिए लगातार खुले हुए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई हैं। निर्मल राजपूत, लोकल 18, मथुरा।